बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे क्रिस्पी स्टीम फ्राई चिकन की रेसिपी। चिकन को पहले मैरिनेट कर लेते हैं। हमने एक बाउल ले लिया चिकन, हमने लिए 1 किलो ड्रम स्टिक का लेग, और मसालों में हमने लिए नमक 1 टीस्पून, मेथी पाउडर 1 टीस्पून, दली हुई मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हमने धनिया पाउडर 1 टीस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून और हल्दी लिए 1/4 टीस्पून। ये सारे मसाले जो हम इसमें बाउल में शामिल कर लेंगे। 2 अदद हमने सब्ज मिर्ची ली है जिनको हमने पीस लिए मोटा मोटा, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इस अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल कर रहे हैं। दही शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून हम इसमें दही शामिल करेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें पपरिका शामिल कर रहे हैं कलर के लिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से मसालों को हमने मिक्स करना है। मसाला जो हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें चिकन वो शामिल कर देंगे। चिकन को हमने इस तरह कट लगा लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर से चिकन को लग जाए, अच्छी तरह से मसाला जो चिकन को लगा लेंगे। 1 बड़ा लेमन उसका हमने जूस निकाल लिया, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जो हमने काट लगा उसके अंदर भी अच्छी तरह से लग जाए। चिकन को हमने मसाला अच्छी तरह से लगा लिया, इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। आप इसको 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, जितना लंबा रखना चाहते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना लंबा रखेंगे इतना चिकन जो हमारा मज़ेदार बनता है। तो मैं 1 घंटे के लिए इसको रख रही हूँ। हम ऊपर क्लीन फिल्म से इसको कवर कर देंगे। तेल जो हमारा गर्म हो चुका है, इसमें चिकन हम शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से इस तरह हम चिकन को जो टर्न करते रहेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया तेल में, और ये लेमन और क्योंकि हमने इसमें डाला और दही में पानी छोड़ा, चिकन का भी अपना पानी छोड़ा, तो हम इसको अभी कवर कर देंगे 12 मिनट के लिए और मध्यम आंच पे रखेंगे। चिकन के साथ हम चटनी भी बना लेते हैं। तो हमने 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली, 1 लहसुन की कली ले लिए, हमने कुछ पत्ते ले लिए धनिए के, पुदीने के, और थोड़ी सी मैंने पालक के पत्ते ले लिए। ये भी चटनी में डालने से बहुत मज़ेदार चटनी बनती है। तो चटनी बना लेते हैं। 12 मिनट हमारे हो चुके हैं, चिकन को हम चेक कर लेते हैं। चिकन माशाल्लाह हमारा स्टीम हो चुका है। ज़्यादा हम स्टीम नहीं करें, हाफ स्टीम करेंगे, हाफ हमने फ्राई इसको करना है। अभी हम चिकन को जो कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं, आराम से पीस ऐसे उठा लेंगे ताकि चिकन हमारा टूटे नहीं। इस तरह हम निकाल लेंगे। ये जो मसाला है इसको हम गाढ़ा कर लेते हैं, पका लेंगे, और क्योंकि दोबारा फिर इसे चिकन के ऊपर लगा देंगे तो जितना ये पानी है इसको ड्राई कर लेंगे हम। इसी मसाले में हम 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्न फ्लावर वो शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ में हमने ख्याल रखना कि इसमें लम्स ना बने, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले को। हमने जो चिकन निकाल लिया था दोबारा इसमें मसाले में अच्छी तरह से फिर इसको मसाला जो लगा लेंगे। अभी हमारा मसाला जो अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है, चिकन को आराम से हर साइड से अच्छे से लगा लेते हैं। आंच को बंद कर देंगे, इस तरह सारा मसाला जो हम चिकन को लगा लेंगे। बिल्कुल आराम आराम से हमने मूव करना ताकि हमारा चिकन जो है वो टूटे नहीं। दूसरा पैन हमने ले लिया, उसमें हमने तेल डाल के अच्छी तरह से गरम कर लिया। अब हम पीस चिकन के लिए किस तरह आराम से तेल में शामिल करते जाएंगे।
ये सारे पीस हमने चिकन के डाल दिए, हल्का हल्का इनको हम फ्राई करेंगे, एक तरफ से हो जाएंगे फिर दूसरी तरफ से टर्न करेंगे और बिल्कुल आराम से मूव करेंगे क्योंकि चिकन हमारा पका हुआ है ताकि ये टूटे नहीं। अब हल्का हल्का हम इसको इस तरह मूव करते जाएंगे इस तरह आराम आराम से दूसरी साइड में। चिकन हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है, बिल्कुल हमने इसे टच देना था क्योंकि ये पहले स्टीम किए हुए चिकन है, ज़्यादा फ्राई नहीं करें। 6-7 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई किया, अब निकाल लेंगे हम चिकन को। स्टीम जो है बहुत ही मज़ेदार बना है और हम आपको खोल के भी अंदर से दिखाएंगे कितना नरम है। आप ज़रूर बनाएं, बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं कि बहुत बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी से आप बना सकते हैं घर में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।